नई यूनिक रेसिपी लेकर। फ्रेंड्स, लौकी की सब्जी तो बहुत तरीके से आपने खाई होगी और एक ही तरीके की खाते खाते हम ऊब जाते हैं। तो आज हम ये लौकी की सब्जी बनाने वाले हैं चने की दाल के साथ। और जब आप चने की दाल के साथ ये लौकी की सब्जी बनाएंगे तो आप, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको प्रूफ के साथ कह सकती हूँ कि हफ्ते में दो बार तो ज़रूर ही घर में डिमांड होगी कि आप लौकी और चने की सब्जी बनाइए, चने की दाल की। तो देखिए, चने की दाल को हमने भिगो के रख दिया था, दो से तीन घंटे तक हमने भिगो के रखा है। और ये हम लौकी जो है वो हमें थोड़ी सी पतली लेनी है, जिससे कि जिसमें उसमें बीज ना होने, बीज होते हैं तो लौकी जो है वो कड़ी हो जाती है और बड़ी गजब बड़ी बेकार लगती है। तो इसको हम बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरीके से हम काट लेंगे। बड़े टुकड़ों में काटने का ये है कि हम आपको ये बात में बताएंगे कि हमने बड़े टुकड़ों में ये लौकी क्यों काटी है। तो अगर आपको ये जानना है तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हमने जो ये लौकी ली है, ये मेरी आधा किलो लौकी है, एक पतली पतली लौकी थी। जितनी मतलब उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि मुलायम या सॉफ्ट लौकी होगी, उतनी ही अच्छी ये आपकी चने की दाल की सब्जी बनेगी। तो इस तरीके से मेरे में देखिए लौकी में कोई भी बीज नहीं है। और चने की दाल हमने देखिए, अब हम चने की दाल को कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छे से हमने चार से पांच पानी से इसको धुल के दो तीन घंटे के लिए भिगो दिया था, जिससे कि दाल हमारी अच्छे से पक जाए। चने की दाल जो है वो जल्दी पकती नहीं है, तो इसके लिए हमने दो तीन घंटे तक भिगो दिया था। और जो हमने ये लौकी कट करके रखी है वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसके साथ हम डाल देंगे टमाटर, और टमाटर भी हम बड़े पीसेस में ही कट करके डालेंगे, जिससे कि ये जो है लौकी हमारी जो है वो ज़्यादा गलने ना पाए। बहुत ज़्यादा जब गल जाती है तो बहुत अच्छी नहीं लगती, अजीब सी लगती है। तो बहुत आप इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत 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 ही मस्त लगती है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। अब हम इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को हम क्या करेंगे, ये बीज से हम इसमें चीरा लगाएंगे पूरी तरीके से, इसको हम कट नहीं करेंगे ना ही अलग करेंगे। इस तरीके से हम चीरा लगा के हमने चार हरी मिर्ची डाल दी हैं। और थोड़े से हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, ये हम थोड़ी सी हमने ले ली हैं, चार से पांच ली हैं लौंग, थोड़ी सी चार से पांच ही ली है हमने काली मिर्च, और दो हरी इलायची, दो तेज़पत्ता और एक बड़ी इलायची। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें नमक, ये सब नमक ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें हल्दी डालिए, वरना हल्दी ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद हो तो डालिए वरना मत डालिए। ये हमने चौथाई चम्मच डाल दिया है हल्दी पाउडर, और इसको हम इस तरीके से, और इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे। पानी को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा अगर हम पानी इसमें डाल देंगे तो ये बहुत ही बेकार बन के तैयार होगी। मतलब बहुत ज़्यादा ये पतली दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से हम इसको इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें लगा देंगे ढक्कन, और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से जब हमारे कुकर में सीटी आएगी तो जो दाल है वो बाहर नहीं निकलेगी। अगर जैसे बाहर निकलती है दाल तो कुकर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें तेल डाल देंगे जिससे कि वो ना निकले। देखिए, हमने चार से पाँच सीटियाँ हमने लगाई थी, और ये देखिए दाल में लौकी मेरी पक गई है लेकिन वो गली नहीं है। दाल भी मेरी पक गई है लेकिन गली नहीं है। गल जाती है तो वो हलवे की तरह हो जाती है, तो बिल्कुल भी बेकार लगती है। ये देखिए, इस तरीके से दाल अच्छे से पक गई है लेकिन गली नहीं है। अब हम इसमें, इसीलिए हमने आपको बताया था कि इसीलिए हम लौकी के बड़े टुकड़े कर रहे हैं, जिससे कि इतनी सारी सीटियाँ आएंगी तो लौकी जो है एकदम गल जाती, हलवा की तरह हो जाती। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का, और तड़का से फ्रेंड्स आप इसमें सिर्फ देसी घी का ही लगाइए। देसी घी इसमें बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। घी से ही इसको आपको बनाना है, आप ना सरसों का तेल और ना ही रिफाइंड ऑयल
ना यूज, अगर आपको मना है घी नहीं खा सकते हैं तो आप भले ही यूज करिए वरना मत यूज करिए। इसके लिए हमने डाल दिया है 1 चम्मच जीरा और हमने 1 चम्मच डाला है राई और ये थोड़ी सी हमने अदरक कद्दूकस कर ली है और ये हरी मिर्ची। फ्रेंड्स हम कुछ नया खाते हैं, नया खाने को मन करता है क्योंकि ये नवरात्रि चल रहे हैं तो उसमें लहसुन प्याज यूज नहीं होता है। तो हम मेरी रेसिपीज तो अक्सर ही बिना लहसुन प्याज की ही होती हैं। इसमें हमने ऐड कर दिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें जब हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा और ये डाल देंगे हम इसमें टमाटर। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो आप इसमें प्याज और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं, मेरे यहाँ नहीं खाया जाता है, जैसे कोई गेस्ट आ जाता है तो हम बनाते हैं वरना हम नहीं बनाते हैं प्याज लहसुन। और इस तरीके से हम इसको भून लेंगे अच्छे से, जब ऑयल ये छोड़ देगा तब उसके बाद ही हम इसमें वो दाल ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमें नमक ऐड करना है, जितना मेरा ये टमाटर है बस इतना ही नमक हमें ऐड करना है। ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। इसमें कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही गजब का आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप अगर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं तो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए, वरना थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही गजब की ये दाल बनके तैयार होती है। दाल क्या, ये लौकी और चने दाल की सब्जी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर हम इसे बेसन की रोटी के साथ या बाजरे की रोटी के साथ हम इसे खाते हैं, बिहार में तो ये बाजरे की रोटी के साथ और राजस्थान में बिहार उसमें भी बाजरे की रोटी के साथ ये सब्जी खाई जाती है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही गजब की बनती है। हर रेस्टोरेंट में ये मिलती है। मैं जब भी गई हूँ तो जो खाने को हमने लिया है तो उसके साथ हमें बाजरे की रोटी मिली। राजस्थान में अक्सर जाती रहती हूँ तो वहाँ पे हमें ये मिला है। अगर आपके पास इमली है तो आप इमली भिगो के रख दीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, वो इसमें ऐड कर दीजिए। मेरे पास इमली नहीं थी तो हमने इसमें ऐड किया है नींबू और ये सिर्फ इसमें 1 चम्मच ही हमें नींबू ऐड करना है। हमने आधा नींबू ऐड किया है और बिल्कुल भी आप, अगर आपके पास इमली है तो आप इमली ऐड कीजिए। टमाटर का टेस्ट अपना अलग होता है और इमली और नींबू का टेस्ट अपना अलग होता है, तो ये ऐड कीजिए। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला और अब हमारी ये सब्जी जो है बनके तैयार है। हम रोटी के साथ, चावल के साथ मज़े से खा सकते हैं। बहुत ही देखने में ही आपको कितनी टेस्टी लग रही होगी, काश मैं आप सबको खिला पाती। बहुत ही गजब की, बहुत ही टेस्टी ये लाजवाब सब्जी बनके तैयार है हमारी। और एक ही तरह से लौकी बना बना के अगर हम बोर हो चुके हैं तो आप एक बार इस तरीके से बनाइए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमें अपने अनुभव बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट से हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने दाल जो है वो एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ली है। देखिए कितनी टेस्टी, कितनी गजब की लग रही है। और रोटी के साथ, चावल के साथ, ये हमको चावल ज़्यादा पसंद है तो हमने चावल के साथ ये खाया, बहुत ही